Actually, I'm from Assam. My native place is Assam. And मेरे पापा आसाम के फोक गायक रहे हैं. बिपिन पटवारी उनका नाम है. So, like my first performance was when I was 4 years old. और पापा के साथ मैं गाती थी. वो जहाँ जहाँ गाते थे उनके साथ. आसाम में बहुत तरह की लोक गायकी है. उसमें से एक है कामरूपिया लोकगीत. जैसे कामरूप कामाक्षी आप लोगों ने सुना होगा. कामरूप एक डिस्ट्रिक्ट है. तो कामरूपिया लोकगीत एंड एक है ग्वालपारा. वो अलग एक जिला है, अलग एक डिस्ट्रिक्ट है ग्वालपुरिया लोकगीत. तो ये सब लोकगीत मैं गाती थी. और एक इंस्ट्रूमेंट होता था दोतारा. दोतारा बोलते हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज में. दोतारा दोतारा मेरे पापा बजाते थे और मैं गाती थी. सो वो ट्रेनिंग रहा मेरा फोक सिंगिंग, फोक के ऊपर. एंड आफ्टर दैट अलग अलग जॉनर्स को मैंने एक्सप्लोर किया. लाइक आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड. जैसे मैं ग्रोन अप हुई, बड़ी हुई, एक समय तो ऐसा आया मैं फोक को थोड़ी सी मैं खुद ही बहुत हे दृष्टि से देखती थी. मीन्स मुझे लगता था दिस इज़ वेरी डी ग्लैमराइज, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है. एंड तब लाइक दैट टाइम छोटे थे, लाइक उषा उठूप एंड डिस्को का ज़माना था तब. बप्पी लाहिड़ी और आस पड़ोस के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो बहुत ये सब शोज़ के लिए रिहर्सल करते थे. मुझे लगता था कि मैं कहाँ दोतरा में ये कर रही हूँ. मुझे खुद ऐसा लगता था. तब मुझे समझ में नहीं आता था कि आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली. और वो आज इतने सालों बाद जब अभी मैं म्यूज़िक बॉक्स में मेरा अपना स्टूडियो में बॉम्बे में बैठी हूँ, ये जो यात्रा रहा आसाम से यहाँ तक, उसमें मुझे वो फोक जो है, जो लोक गायकी है जिसको मैं ये नज़र से देखती थी, वही मुझे यहाँ तक लेके आया. सो आई वॉज वेरी रॉन्ग. एंड खासकर जो हमारी बात की पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, उनके साथ ऑफकोर्स मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अपने अपनी बात, अपनी भाषा, मेरी भाषा बाहर की. जैसे हम लोग आज स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है कि क्या सीख रहे हैं, स्पेनिश, लैटिन या फ्रेंच बहुत सीखा जा रहा है. बहुत अच्छी बात है. बट उनको अगर पूछे उनके मम्मी या दादी के घर में क्या बोला जाता है, उनको पता नहीं होगा. तो दैट इज़ रॉन्ग आई थिंक. पहले बात है अपनी जो रूट्स है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को जान ले, अपने संस्कार को जानूँ, फिर मैं बाहर को भी जानूँ और फिर अपने बात में उनको दे पाऊँ, उनका भी लूँ अपना भी दूँ. सो आई फील रिच. लाइक आसाम से होने के बाद मेरा जो बेसिकली कर्म क्षेत्र रहा फोक के मामले में, वो बॉम्बे आने के बाद यूपी बिहार ज़्यादा रहा, जहाँ तक का मैं मेरी भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा काम किया मैंने. सो और काम करने के साथ साथ एक इनर मेरी प्योरिफिकेशन बोलूँगी. फोक सिंगिंग, फोक फॉर्म्स एक्चुअली लाइफस्टाइल है. मतलब जन्म से लेके मरण तक फोक में गीत होता है, संस्कार गीत होता है, हर एक रीति रिवाज में गीत होता है. शादी में गीत है, बच्चा पैदा हुआ सोहर गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और मरण तक निर्गुण जो सूफी एलिमेंट होता है, जो हिंदुइज्म में भोजपुरी में उत्तर प्रदेश बिहार में निर्गुण तत्व होता है. सो जैसे अभी मानसून है, बारिश का समय है, अभी कजरी गाया जाता है. सो बहुत सारे अलग अलग सीजन में गीत है. तो एक तरह से जैसे अपने आप को, एक मैं अगर ये थोड़े से स्पिरिचुअली भी बात करूँ, अपने आप को जानने का, अपने आप को, अपने आप से परिचय होने का एक मौका मिला फोक को सीखते सीखते, यूपी बिहार को समझते समझते. एंड वो अभी भी है हमेशा. एक शिष्या भाव जो है, स्टूडेंट बन के मैं म्यूजिकली वर्ल्ड को देखना चाहती हूँ, नहीं तो वो ख़त्म हो जाता है. जैसे मैं बॉलीवुड में भी, फिल्म्स में भी मैं गा रही हूँ, और वो एक पॉपुलर कैटेगरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है. भोजपुरी में भी एक फिल्म इंडस्ट्री है जो बॉम्बे से ऑपरेट होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड बट कहीं ना कहीं जो एक होता है ना, एक सैचुरेटेड पॉइंट आता है, खासकर जहाँ स्टारडम है, जहाँ 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद अपने आप को आर्टिस्ट, ये देखा जाता है बहुत बार ऐसा होता है, अपने आप को खो देते हैं. उस तादम गुम होने के बाद खो देता है, और फिर डिप्रेशन, बहुत कुछ पर्सनल बात भी आ सकता है. लेकिन फोक में ये बात है कि आप हर दिन अपने आप को आविष्कार करने का मौका मिलता है, अलग 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 बहुत सारे फॉर्म्स है. सो दैट वे आई थिंक आई एम वेरी रिच. एंड अब मैं आपके सामने आने का मकसद मेरा ये है, ये सब फोक फॉर्म्स को, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे असमिया है, हो चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. खासकर जो सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड है, उनको शायद ज़्यादा डायरेक्ट रॉ फोक रीजनल भाषा में बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा. तो इन अ वे कोक स्टूडियो का एक प्लेटफॉर्म आया अभी, जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू वर्ल्ड म्यूजिक जॉनरा. आप उसको अलग अलग बॉडी दे सकते हैं. जैसे ये है एक बिरहा, मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ. बिरहा अहिर जदुवंश की फोक फॉर्म है, जहाँ से कृष्ण कान्हा आते थे.
और अहीर, अहीर पहले क्या होता था, खेती बाड़ी करते वक्त बहुत पुराने ज़माने ऐसे कान में डाल के, इसमें कुछ म्यूज़िक नहीं, साज नहीं होता था, ऐसे गाया जाता था, इस तरह से उसमें कुछ म्यूज़िक प्ले नहीं होता था. तो ये हाल ही में लास्ट ईयर 2015 में ये जो खड़ी बिरहा फोक फॉर्म है जो अब लुप्त है, एक्सटिंक्शन में, मतलब ये सब फोक फॉर्म जा चुका है और लुप्त प्राय है. तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये सब फॉर्म्स आए, वापस आए, और उसी कोशिश में हूँ. और लास्ट ईयर 2015 में MTV कोक स्टूडियो में बिरहा गाया गया, मैं गाई और लोगों ने सुना. और मेरे लिए ये भोजपुरी भाषा का कोक स्टूडियो MTV के मंच में पहुँचना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और तो यात्रा फोक को लेकर अब तक बैंड तक पहुँच चुका है. ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मेरी बात करूँ कि मैं गाती हूँ तो लोगों की ज़ुबान पर, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट भोजपुरी में जहाँ तक आने की बात है, अगर फेम की बात कर रहे हैं आप, भोजपुरी में ज़्यादा प्रसिद्ध ही मुझे मिली. सो लेकिन वो मेरा चॉइस कभी था ही नहीं. लाइक भोजपुरी ने मुझे चूज़ किया, कल्पना ने भोजपुरी को नहीं चुना. क्योंकि आसाम से जब मैं बॉम्बे निकली, मैं बस वही सोचती थी कि दो तीन मुझे ऐसे सॉन्ग्स में, मतलब नेशनल लेवल में कुछ गाने को मिल जाए. तब रिमिक्सेस बहुत चलता था एंड मैं गाई भी, लोगों को पता नहीं होगा. मीन्स जैसे फर्स्ट सॉन्ग वॉज माई, इट वॉज रिलीज फ्रॉम टाइम्स म्यूजिक एंड आशा भोसले वॉज देयर इन दैट एल्बम उत्सव. फ्रॉम दिस टोनल क्वालिटी, दिस थ्रोइंग इज वेरी डिफरेंट. जैसे मैंने कहा जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, मेरा ये जो स्टूडियो का नाम है ना म्यूजिक बॉक्स, ये एक्चुअली क्यों पड़ा, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ मराया केरे. विटनी वेस्टर्न को सुनी हूँ बट मराया केरे को मैं, जो वेस्टर्न क्लासिकल एलिमेंट है, जो हमारे क्लासिकल एलिमेंट, जो मुड़की की बात करते हैं हम लोग, फोक में भी है, जैसे बिहू में पहाड़ी अंग है जो है, ठीक है, उसी तरह वेस्टर्न जो मराया केरे के जो सिंगिंग स्टाइल रहा, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. हाई पिच में 5 ऑक्टिव रेंज, और उसमें उन्होंने जो भी काम वो गले से जो भी करती थी. सो म्यूजिक बॉक्स नामक उनका एक एल्बम था जो मैं शायद अब से सबसे ज़्यादा वो सुनी होंगी, कई हज़ारों बार. और लास्ट में इस स्टूडियो का भी नाम मैंने म्यूजिक बॉक्स रखा. सो फोक फेमस होने के पीछे